So hi everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. If you're visiting first time, don't forget to subscribe and make sure to press the bell icon for all the upcoming video updates. This video is about how can we join as a pharmacist in Reserve Bank of India or RBI. As हमने वीडियो बनाया है already, how can we become a pharmacist in SBI or State Bank of India. सिमिलर वे पे हम लोग RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी फार्मासिस्ट बन सकते हैं. यहाँ पे भी फार्मासिस्ट के वैकेंसीज आते हैं. कैसे हम लोग फार्मासिस्ट बनेंगे यहाँ पे, व्हाट आर द क्राइटेरियाज़, व्हाट आर द डिटेल्स, व्हाट आर द एग्ज़ाम प्रोसेस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में. एंड दिस इज़ आवर सीरीज़ ऑफ करियर एंड जॉब्स आफ्टर फार्मेसी. इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जैसे कि UPSC आफ्टर फार्मेसी, SSC आफ्टर फार्मेसी, SBI आफ्टर फार्मेसी, ISRO आफ्टर फार्मेसी, डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो एक फार्मेसी स्टूडेंट्स को मिलते हैं आफ्टर कम्प्लीटिंग द डिप्लोमा, बैचलर्स और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ओके, और मास्टर्स ऑफ फार्मेसी. तो उसी के सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग आज के इस वीडियो के साथ, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फार्मासिस्ट अपॉर्चुनिटी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? दिस इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? एंड एज यू नो, जैसे स्टेट बैंक हमारा एक बैंक है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिमिलरली रिजर्व बैंक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टली अंडर एक बैंक है. इसका जो मेन ऑफिस है वो है मुंबई पे. तो इसके डिफरेंट ब्रांच ऑफिसेज भी अवेलेबल है, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड इंक्लूडिंग ऑल दी अदर मेट्रो सिटीज़ में RBI का ब्रांच अवेलेबल है. एंड सारे ब्रांच से मैक्सिमम फार्मासिस्ट के वैकेंसीज आते हैं कभी कभी, ठीक है? तो मेरा ये जो सीरीज़ है, हम इस सीरीज़ पे ये बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स एंड एरिया हमारे लिए ओपन है अगर हम फार्मेसी कंप्लीट करते हैं तो, ठीक है? ताकि आपके पास एक जानकारी पहुंचे कि येस, दिस आर द सेक्टर्स और दिस आर द साइट्स ओपन फॉर अस एज अ फार्मासिस्ट. एंड ताकि फार्मासिस्ट के वैकेंसी जब आए इन जगह पे, हम लोग थोड़ा सा अवेयर रहे, हम लोग को पता चले पहले से ही, ठीक है? अगर आपको पता लग जाएगा कि यस, RBI या फिर SBI में फार्मासिस्ट लिया जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद यू नो कि फार्मासिस्ट लिया जाता है. अब कभी फार्मासिस्ट के वैकेंसीज आते हैं तो आप इजीली उसको फिलअप कर सकते हो, इजीली उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहोगे, राइट? इसलिए मेरा ये वीडियो बनाना है एक्चुअली. एंड हम लोग बात करते हैं RBI फार्मासिस्ट की. तो RBI का जो फार्मासिस्ट करंट कुछ अगर रिक्रूटमेंट देखे तो प्रोजेक्ट बेसिस पर रिक्रूटमेंट होते हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग टेम्पोररी बेसिस पर रिक्रूटमेंट होते हैं, जो कि परमानेंट हो सकता है आगे जाके, ऐसे टाइप का रिक्रूटमेंट होते हैं. तो ये सिर्फ सिचुएशन RBI में नहीं है, कोई भी PSU आप देख लो, सारे PSUs में सेम ही सिचुएशन है. करंटली जो वैकेंसीज आते हैं वो वैकेंसीज सारे कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो टेम्पोरारीली बेसिस पे हो सकता है, जो आगे आके एक्सटेंड होते रहते हैं टाइम टू टाइम. एंड ऑफ कोर्स परमानेंट वैकेंसीज भी आते रहते हैं. सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है इन वैकेंसीज के लिए, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. द फर्स्ट इज़ द मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. तो आपका मैट्रिकुलेशन और क्लास 12 आपका चाहिए. उसके बाद आपका चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, अदरवाइज बैचलर ऑफ फार्मेसी ऑल्सो कैन अप्लाई. तो डी फार्म या फिर बी फार्म आपका चाहिए विद अ मिनिमम 50% मार्क्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल. नाउ इन सम केसेस हमने देखा है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर RBI जॉब बिकॉज इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब. ऑल्सो सम केसेस में हमने देखा है कि जो पर्टिकुलर कोई स्टेट के लिए वैकेंसी है तो वहीं के आपका स्टेट का फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए. एग्जाम्पल ले लो आप ओडिशा के, तो ओडिशा के जो रिक्रूटमेंट आया था वहाँ पर मैंडेटरीली लिखा था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ओडिशा फार्मेसी काउंसिल. अब कहीं यहीं पे ऑल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, जैसे कि मान लो भोपाल का रिक्रूटमेंट हुआ था RBI से, तो वहाँ पे लिखा था मैट्रिकुलेशन डी फार्म और बी फार्म एंड ऑल्सो रजिस्ट्रेशन अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 रेस्पेक्टिव फ्रॉम योर स्टेट. तो वहाँ पे सारे लोग एलिजिबल हैं. उसके साथ साथ क्या चाहिए अदर, आपका मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट, ओके? फार्मासिस्ट के हिसाब से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. प्रेफरेबली एक्सपीरियंस कहाँ पे चाहिए, कोई PSUs या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और PSBs, यहाँ से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो थोड़ा आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेंगे एज कम्पेयर टू अगर आपका प्राइवेट प्रेफरेंस है तो, ठीक है? बट फार्मासिस्ट के हिसाब से ही आपका प्रेफरेंस चाहिए. नेक्स्ट आपका क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए. एंड अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहाँ का सैलरी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया जाता है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छा है. मतलब यहाँ पर सैलरी दिया जाता है 400 पर आवर,
ठीक है, आवर के हिसाब से यहाँ पे सैलरी रहता है। तो 400 पर आवर अगर सैलरी होता है एंड 2000 मैक्सिमम, मतलब ये होता है यहाँ पे कि पीरियड ऑफ 5 आवर्स अ डे पर डे। तो पर डे अगर आपका 2000 इनकम होता है तो वहीं पे वो चला जाता है ना, मैक्सिमम आपको 30 आवर्स दिया जाता है, 30 आवर्स आप इनकम कर सकते हो एक वीक में। तो आपका ऑल अराउंड 48,000 यहाँ पे हो रहा है जो टोटल अमाउंट। तो यहाँ का सैलरी थोड़ा सा दिया जाता है अलग तरीके से, लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। ओके, अब यहाँ का सिलेक्शन कैसे होता है? द सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सबसे पहले आप अप्लाई करोगे एज़ पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर मैच होते हैं तो। अब वहाँ पे वो लोग आपके नाम से या फिर आपके जो मेरिट्स है सारे उनसे आपका नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू। किस बेसिस पे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास डिप्लोमा है या फिर बैचलर्स है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर जो भी है आपका पीएचडी है, वो आपका सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन देखेंगे जितना हाई है, ठीक है। या फिर उसके बाद देखेंगे आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे आपका 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से लिया गया है, अगर आपका गवर्नमेंट से है या फिर प्राइवेट से है। इन सब को देखते हुए आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा फॉर द इंटरव्यू। अगर आपके इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आप इंटरव्यू जाओगे एंड एज़ पर द इंटरव्यू परफॉर्मेंस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हो गए, अब इंटरव्यू में जैसे परफॉर्मेंस हो गए उस हिसाब से आपका नाम यहाँ पे लिस्टेड हो सकता है एंड आप क्वालिफाई हो सकते हो फॉर द RBI फार्मासिस्ट जॉब। ओके, वैकेंसीज रीजन वाइज आते हैं, तो कहीं कहीं पे आते हैं 5-6 करके, कहीं कहीं पे 2-3 करके भी आ सकते हैं, तो डिफर होता है एज़ पर द एरिया। ओके, आप जैसे कि रिसेंटली इसका 2023 में भी रिक्रूटमेंट हुआ है, 2021 में रिक्रूटमेंट हुआ है, 2024 में भी रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो रिक्रूटमेंट कहाँ से आते हैं? तो जो RBI का ऑफिशियल कैरियर पेज है वहाँ से आप लोग रिक्रूटमेंट्स को देख सकते हो। लोग RBI कैरियर ऐसे जाओगे तो कैरियर के जो पेज है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। जैसे हमने SBI के बात किया था इसीलिए ये वाला वीडियो RBI का था। सिमिलर वे पे दूसरे जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनका आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, कैरियर एंड जॉब्स आफ्टर फार्मेसी इन डिफरेंट रीजन डिफरेंट सेक्टर्स। ज़रूर उन वीडियोस को देखो आप जाके एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना। मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर ऑल द अपकमिंग अपडेट्स एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड कर देना ताकि सबके पास वीडियो पहुँच जाए। एंड कोई भी आपके सजेशन है माइंड में तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।